गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जिस इस क्रम में आगे धीरे धीरे एंजाइम का टॉपिक चल रहा है, वो आगे अपन डिस्कस करते हैं। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं छोटे छोटे ये जो आपको पढ़ा रहा हूं एक वीडियो लेक्चर में, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ पा रहे हो, एक एक लाइन उसकी याद कर रहे हो। मेरे को तो यही उम्मीद है, क्योंकि इतना ज़्यादा अपन वीडियो लेक्चर के बाद नहीं ज़्यादा अपन जो सिलेबस है वो पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आप अच्छे से याद कर रहे हो। ठीक है, तो जो जितना डेली आपको जितना छोटे छोटे टॉपिक है, जो रूटीन जो वर्क मिलता है, उसका आप अच्छे से होमवर्क बनाओ, अच्छे से याद करो, यही आपके आगे बेस में काम आएगा। क्योंकि इतना अच्छा समय आपको मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर ही रहे हैं। तो बच्चों, उसी टॉपिक को अपन जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो अपने जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो टॉपिक चल रहा था, आपको पता ही है बच्चों, वो है अपना एंजाइम का टॉपिक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कौन सा आता है, किस प्रकार से आता है, तो आप समझ ही पाए होंगे कौन सी चीज़ आ सकती है इसमें से। तो जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है एंजाइम बच्चों। एंजाइम्स चल रहा है, और एंजाइम्स के अंदर एक बार मैं आपको रिवाइज की बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या याद होना चाहिए। एंजाइम का चैप्टर का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज एंजाइम डेफिनेशन। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में, जो चार वैज्ञानिकों के, जो पांच वैज्ञानिकों जो नाम दे रखे हैं, उनके बारे में आपको नाम याद होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। भाई ये इसमें वैज्ञानिक ने ये बताया था, इसमें साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर रिमाइंड होना चाहिए आपको कि भाई एंजाइम इस जो नेक्स्ट का टॉपिक के अंदर जो स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर क्या थी, जैसे होलो एंजाइम बराबर बात करें तो एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर था, को फैक्टर थ्री टाइप का था, प्रोस्थेटिक ग्रुप था, है ना, को एंजाइम था और एक्टिवेटर था। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपको जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एंजाइम नाम आते ही जहाँ तक पढ़ा है, वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपकी बार बार मैं रिमाइंड कराता हूँ आपको हर चीज़ हर वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको याद रहे पूरा का पूरा चैप्टर याद रहे। पिछली बार मैंने इसी प्रकार से बताया था बच्चों कि आपको बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको पूरा प्रोजेक्ट नाम लेते पूरा प्रोजेक्ट याद हो जाना चाहिए, ताकि ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और ये चीज़ें अपन ने इस प्रकार से डिस्कस की थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करें तो प्रॉपर्टीज के अंदर बात की थी अपन ने कि प्रोटीन नेचर होता है, कोलोडल नेचर होता है, और स्पेसिफिसिटी थी, स्पेसिफिसिटी भी जो थी चार प्रकार की थी आपको बताइए। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी थी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी थी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी थी। इसके बाद रेक टू एयर कैपेसिटी टू रेक टू थे एसिडिक बेसिक सबस्टेट। उसके बाद जो अपन ने बात की थी एंजाइम ऑप्टिमिज्म था। ठीक है, उसके बाद जो था एंजाइम इनहिबिशन था। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन जो ये प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। इसके बाद जो अपने जो टॉपिक जो नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था आपको होता है बच्चों, वो अपने बात की फैक्ट्री इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। उसमें अपने टेम्परेचर की बात की, पीएच वैल्यू की बात की, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेट की बात की, कंसंट्रेट ऑफ द एंजाइम की बात की थी। सारे ऐसे ऐसे रिमाइंड होनी चाहिए। कंसंट्रेट ऑफ एंड प्रोडक्ट की बात की, उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन और पॉइजनस की बात की। एंजाइम इनहिबिशन टू टाइप्स का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसके बाद जो अपन जो करंट जो टॉपिक इसके बाद अपने चालू किया था, वो चालू किया था मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को अपन जो समझ रहे थे वो अपन दो तरीके समझ सकते हैं। ठीक है, टू मैनर्स में अपन समझ सकते हैं। एक तथा आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, ESC। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दूसरा था डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन, ये दो पॉइंट पे अपन इसको एंजाइम सबस्टेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है, ये एंजाइम रिएक्शन को समझ सकते हैं, एंजाइम मोड ऑफ एंजाइम रिएक्शन को अपन इन टू मैनर्स के अंदर, फ्लोइंग मैनर्स के अंदर समझ सकते हैं, एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी।
तो उसके अंदर जो अपना जो पहला जो टॉपिक चल रहा था बच्चों वो था अपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, ESC। तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, उसके अंदर टू थ्योरीज थी, उसमें अपने आपको मैं याद रहा, तो इसमें क्या था कि जैसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये थी। तो इसके अंदर जो अपन ने डिस्कस किया था वो ये क्या था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म में अनस्टेबल कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड दिस अनस्टेबल बट डिसोसिएट टू फॉर्म एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द एंजाइम रीयूज द रिएक्शन। तो इसमें इसको समझाने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है इसको समझाने के लिए टू थ्योरी थी, दो थ्योरी प्रपोज की गई थी, ठीक है, जो अपने सिलेबस में। तो एक तो थी आपकी लॉग एंड की थ्योरी, एंड की थ्योरी, और सेकेंड जो आती है वो आती है इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी। तो आपको बच्चों याद होगा कि लॉग एंड की थ्योरी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस मैं आपको कहते हैं लॉग एंड की थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लॉग एंड की थ्योरी प्रपोज बाय एमिल फिशर, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, एमिल फिशर के द्वारा प्रपोज की गई थी, ठीक है। लॉग एंड की थ्योरी की बात करें, लॉग एंड की थ्योरी प्रपोज बाय एमिल फिशर, किसने की थी, एमिल फिशर ने की थी, ठीक है। एमिल फिशर ने क्या कहा था, जिस प्रकार से एक लॉग ओपन बाय इट्स कि वैसे क्या होता है, एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड टू ए स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिव साइट ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन अल्टीमेटली रिएक्शन प्रोसीडिंग। लेकिन यहां पर जो बुक में नहीं देखी, मैंने आपके साथ वीडियो लेक्चर में पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी एक बात की, उसमें एक बात और थी एमिल फिशर की थ्योरी के अंदर, उसने क्या बताया था कि एंजाइम हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट। उसमें एमिल फिशर ने जो मैंने बुक में बताया, बुक में नहीं दे रखी एक लाइन, लेकिन जो थ्योरी का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर एंजाइम हैव अ रिज स्ट्रक्चर एंड दिस रिज स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर सो दैट दे बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। रिज स्ट्रक्चर का मतलब ऑलरेडी एंजाइम के अंदर ऑलरेडी इस प्रकार की रिज स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड दिस फिश टुगेदर एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड दिस फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके, एंड दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इनटू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट। तो ये बताई थी एमिल फिशर ने। तो अपन को दूसरी जो थ्योरी डिस्कस करनी है, आज बात करेंगे इंड्यूस फीड थ्योरी। लेकिन इंड्यूस फीड थ्योरी को समझने के लिए पहले एमिल फिशर वाली बात पे विशेष तौर से ध्यान देना होगा आपको, है ना। एमिल फिशर ने क्या बताया था बच्चों, मैं बता रहा हूँ, एमिल फिशर ने ये बताया था कि एंजाइम है रिजिड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉम्प्लीमेंटेड टू द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, मतलब एंजाइम एक्टिव साइट है द रिजिड स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लीमेंटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दिस बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसने बताया था ये बताया था एमिल फिशर ने। अब जो अपन बात करते हैं वो अब बात करेंगे आपके इंड्यूस फीड थ्योरी दूसरी थ्योरी, लेकिन ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, ये बात है ये आपके ध्यान में, ठीक है, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए जो मैंने बताई है एमिल फिशर वाली, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंड्यूस फीड थ्योरी को अपन आसानी समझ सकते हैं। और इंड्यूस फीड थ्योरी की बात करें, इंड्यूस फीड थ्योरी पूरी की पूरी थ्योरी इसके जो टाइटल नेम है इस थ्योरी का उसमें ही समझ सकते हो, इस नाम में उस थ्योरी का पूरा जो है वो इसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। इस नाम से ही आप इस पूरी थ्योरी को समझ सकते हो, इंड्यूस फीड थ्योरी को इस नाम से समझ सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं इंड्यूस फीड थ्योरी की। तो इंड्यूस फीड थ्योरी क्या है, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो इंड्यूस फीड थ्योरी बात करते हैं। इंड्यूस्ड फीड थ्योरी
इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, नाम से पता चल रहा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये प्रपोज किसने की थी। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना, दिस थ्योरी प्रपोज बाय कोशलैंड, दिस थ्योरी प्रपोज बाय कोशलैंड इन 1958। ठीक है, बुक के अंदर शायद हो सका है गलत दे रखा है, तो ये रहा आपकी, ठीक है, तो वो गलत करके 1966 तरीका, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है 1958। तो सबसे पहले अपन को जो याद रखने वाली बात है कि ये रखनी है, दिस थ्योरी प्रपोज बाय कोशलैंड, किसने दी थी, कोशलैंड ने दी थी, एंड इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, दिस थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। तो क्यों एक्सेप्टेबल थी वो अभी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप खुद ही कह दोगे ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, क्यों थी ये अभी मैं आप डिस्कस करूंगा। तो दिस थ्योरी प्रपोज बाय कोशलैंड इन 1958, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये थ्योरी प्रपोज किसने की थी, ये कोशलैंड ने प्रपोज की थी। इसके बाद दूसरी जो बात आती है इसमें ये आती है कि अपन बात करते हैं कि इसमें भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, ये सी जो अनस्टेबल एक कॉम्प्लेक्स होता है वो बनता है, दिस डिसोसिएट टू एंजाइम एंड प्रोडक्ट, फर्दर दिस डिसोसिएट टू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। लेकिन इसमें जो बात बताई गई कि ये बताई गई थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम डज नॉट हैव द रिच स्ट्रक्चर। ठीक है सबसे पहली बात ये आती है कि according to this theory the active site of the enzyme does not have, ठीक है, does not have rigid structure। तो एमिल फिशर की पहली बात का खंडन हो गया यहाँ पे, उसने तो क्या बताया था कि इसमें रिज डिस्ट्रक्चर, इसमें क्या रिज डिस्ट्रक्चर होती है वो नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, पहली बात। तो अब रिज डिस्ट्रक्चर क्यों नहीं होती इसकी बात सुनो, मेरी बात आप ध्यान सुनो कि अकॉर्डिंग टू अपन बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड फिट थ्योरी की बात करते हैं, सही है कि रिज डिस्ट्रक्चर नहीं होती, क्यों नहीं होती है, क्योंकि अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं एंजाइम की, ठीक है, enzyme, the active site of enzyme does not have a rigid structure, किसी प्रकार की rigid structure नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, कि because we know the properties of the enzyme, अपन को enzyme की properties के बारे में पता है, enzyme की properties क्या होती है बच्चों, enzyme are protein in nature, पहली बात, तो protein in nature होते हैं, so that these are colloidal in nature, और colloidal is the fourth state of the matter, it is the intermediate to the solid and liquid, इंटरमीडिएट सॉलिड एंड लिक्विड, तो इसका मतलब है जेली लाइक, जेली में रिज स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर कहां से होगी, आप बना सकते हो क्या, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको परमानेंट स्ट्रक्चर या रिज स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं बनाते ना, तो ये बात सही है कि रिज स्ट्रक्चर एंजाइम में नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात इसने क्या बताई थी, एक्टिव साइट नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर होगी। अब इसमें रिच स्ट्रक्चर नहीं होते तो सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगी, तो वहां पर तो ये था एमिल फिशर ने दिया होता है कि ये रिच स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, यहां पर रिच स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, यहां पर रिच स्ट्रक्चर होती डज नॉट हैव रिच स्ट्रक्चर, तो रिच स्ट्रक्चर होती नहीं तो द एक्टिव साइट डज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो जाएगी, होती नहीं है, तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ध्यान देना, एक मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, डायग्राम जो बुक में नहीं दे रखा है वो डायग्राम आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर कर देगा, उसके बाद अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद सारी की सारी चीजें होगी वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक डायग्राम पे फोकस करना, ये डायग्राम बुक वाला डायग्राम आपको नहीं समझ में आएगा, ये वाला बुक में डायग्राम बनाओ, ये आप बनाना और अच्छे से आप समझना,
ठीक है। तो इसमें तो ये चीज दो चीज तो क्लियर होगी यहां पे कि रिज डिस्ट्रक्शन ही होती है और एक्टिव साइट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, ठीक है। एक्टिव साइट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है किसके सबस्टेट। अब क्यों नहीं होती, देखो ध्यान देना, मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये एंजाइम है, ई लिखा हूं इसको, ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ओके, ये एंजाइम है और ये जो अगली जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये सबस्टेट है, ये क्या है सबस्टेट है। यहां पे एक चीज क्लियर हो रही है आपके कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि एंजाइम है, ये इसकी मान लो एक्टिव साइट है, चलो ये एक्टिव साइट है, इस पे किसी प्रकार की डिस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, क्यों, बिकॉज दीज आर द कोलोइडल इन नेचर, तो इस पे यहां पे किसी प्रकार की डिस्ट्रक्शन नहीं दिख पा रहे। लेकिन सबस्टेट के अंदर कुछ आपको रिज स्ट्रक्चर या किसी प्रकार की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो यहां पर इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन द सबस्टेट कम कॉन्टेक्ट विद द एंजाइम इट इंड्यूस द चेंज द एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। समझ रहे हो, अब देखो कैसे, ये जैसे ही सबस्टेट इसके टच में आएगा एंजाइम, ये सबस्टेट जैसे जैसे सबस्टेट इसके टच में आ रहा है, ठीक है, इसमें देखो कुछ स्ट्रक्चर्स बन रही है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स बन रही है इसमें एक्टिव साइट में, ठीक है। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मान लो एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, हवा से बलून है, जो एयर फिल्ड बलून है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उसके पास में उंगली लाता हूँ, ठीक है, उसके पास में उंगली लाता हूँ तो मेरी उंगली उसके अंदर धस जाएगी, तो मतलब जैसे जैसे उंगली की जो स्ट्रक्चर उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर किसमें बन गई, इससे, तो उंगली उसको इंड्यूस कर रही है, दिस इज सबस्टेट, दिस इज एंजाइम, बलून इज ए एंजाइम एंड दिस इज माई फिंगर इज ए सबस्टेट, व्हेन सबस्टेट कम कॉन्टेक्ट विद एंड इंड्यूस द एंजाइम टू फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। देखो इस प्रकार जैसे जैसे मेरी उंगली जाएगी गुब्बारे के पास में, तो गुब्बारे के अंदर एक ही गड्ढा हो जाएगा इस शेप का, उंगली के शेप का, उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर भी ये इसी की प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जैसे जैसे सबस्टेट से कॉन्टेक्ट में आता है तो एंजाइम के अंदर क्या होती है इसकी कॉम्प्लीमेंट एक्टिव साइट पे सबस्टेट की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बन जाती है और दोनों बाइंड होके क्या करेंगे, दोनों बाइंड होके एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ES complex, ठीक है, EX complex बन गया, और ES complex बनने के बाद आपको पता है क्या बनता है बच्चों, ये एंजाइम फ्री हो गया और साथ में क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और एंजाइम क्या होता है आपको पता है, रीयूज हो जाता है रिएक्शन के अंदर इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपके क्या चीज क्लियर हो रही है, मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट थ्योरी इसमें कोई एंजाइम के अंदर कोई रिज डिस्ट्रक्शन नहीं होती, एक्टिव सरफेस डज नॉट हैव द रिज डिस्ट्रक्शन एंड एंजाइम द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नॉट कॉम्प्लीमेंटेड टू द सबस्टेट, ठीक है, सबस्टेट। तो ये दो चीज क्लियर, तो इस प्रकार की संरचना होती है एंजाइम की। तो इससे क्या होता है, अभी इसका नाम इंड्यूस फिट क्यों रखा गया, कि इंड्यूस दिस सबस्टेट इंड्यूस इट टू चेंज इट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट, दिस सबस्टेट इंड्यूस द एंजाइम टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स, मींस क्या हुआ, दिस इज नॉट रिजिड, इट इज चेंजेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंजाइम है तो चेंजेबल,
एक्टिव साइट इज चेंजेबल नॉट रिजिड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इसमें क्या होगा, दिस सबस्टेट इंड्यूस इट चेंज इट एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू इट एंड व्हेन दिस चेंज एंड दिस एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म दिस इज अनस्टेबल एंड दिस ब्रेक डाउन इनटू द एंजाइम एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज फॉर्म दिस ब्रेक डाउन इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। तो ये क्या था बच्चों एंजाइम, ठीक है एंजाइम सबस्टेट जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ये थी, इसमें जो एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो इंड्यूस की थ्योरी थी ये थी। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती है और एक्टिव साइट होती है और नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्टेट, सो दैट दिस इज इंड्यूस द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इंड्यूस बाय द सबस्टेट स्ट्रक्चर एंड दिस चेंजेस अकर अकॉर्डिंग टू द सबस्टेट स्ट्रक्चर and this ultimately when the changes occur then form the enzyme substrate complex and this enzyme substrate complex dissociate into the enzyme end product, enzyme is reused in the reaction and product is formed। ठीक, इस प्रकार से ये जो चलती रहती है, इस प्रकार से अभी की बात करते हैं तो ये बात चलती है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। एक्सेप्टेबल इसलिए क्योंकि ये दोनों बातें ही सही है, क्योंकि इसमें रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज एंजाइम इन द कोलोइडल नेचर, तो कोलोइडल नेचर के अंदर किसी प्रकार रिजिड स्ट्रक्चर है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती पहली बात। और जैसे रिजिड कोलोइडल है तो कोलोइडल के अंदर अपन उंगली डालेंगे तो उसकी जो शेप होती है चेंज होती है, इसी प्रकार सबस्टेट अकॉर्डिंग इसकी एक्टिव साइट होती है चेंज हो जाती है और चेंज होके क्या बनती है इसमें जो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर बन जाती है और कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर एक दूसरे में फिक्स होती है। इस प्रकार से एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स में और दिस थ्योरी की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो अपन ने दो थ्योरी बच्चों इसके अंदर डिस्कस की है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं एंजाइम के या मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं उसके अंदर अपन बात करें एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन दो थ्योरी पढ़ी, एक लो कैंट की थ्योरी पढ़ी एमिल फिशर के द्वारा, इंड्यूस फिट थ्योरी जो पढ़ी है वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी बच्चों, वो जो थ्योरी प्रपोज की गई थी आपके कोस्टलैंड के द्वारा की थी, दोनों थ्योरी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट जो अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग इन द एक्टिवेशन एनर्जी। उससे क्या होता है, यदि आपको मैकेनिज्म एक्शन पूछा है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पूछा है तो आपको दोनों टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो बात है एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को डिस्कस करना है जिसको आप दो थ्योरी से डिस्कस कर सकते हो, या कई बार एक या दो नंबर से इंड्यूस फिट थ्योरी प्रेरित आसंजन सिद्धांत पूछ सकते हैं, है ना। एंजाइम क्रियाविधि को समझाने के प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या डायरेक्ट पूछ जाता है, तो उसमें ये डायग्राम बच्चों जरूर आप याद रखना, आप बुक पर जो डायग्राम है वो जो क्लियर कुछ नहीं करता है उसे समझ में नहीं आता, तो आप ये डायग्राम से उसको आप समझा सकते हो। और दूसरी बात, अब इसमें दूसरा जो सिद्धांत आपको इसको समझाने के लिए क्रियाविधि समझाने दूसरा जो पॉइंट आता है उसमें आएगी सक्रिय एंजाइम जो कमी होती है डिक्रीजिंग इन द एक्टिवेशन एनर्जी, उससे के माध्यम से भी आप इसको समझा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत है, तो अब आगे की जो कल की जो बात करेंगे उसके अंदर जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करने के बाद अपन इसके जो आगे की जो पॉइंट है इसमें उसको करेंगे, ठीक है। और इसके माध्यम से अपन जो चैप्टर को, तो मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर जितना तो आप पूरा लर्न कर रहे हो, अच्छे से याद कर रहे हो, इतना ज़्यादा अपन नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी, तो ये पूरा पूरा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया हो तो मेरे हिसाब से आपको कंटेस्ट हो गए होंगे, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो गए, अच्छे से नोट्स होंगे, तो ये उम्मीद करता हूँ मैं। धन्यवाद।